नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लक्ष्मी स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। रोजाना की तरह हम फिर से हाजिर हैं अपने स्पेशल प्रोग्राम आज का राशिफल लेकर, जहां हम आपको बताते हैं आज का दिन आपका किस प्रकार से रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बता दें आपको, राशिफल का मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व होता है, बहुत महत्व होता है राशिफल का हमारे जीवन में। राशि के अनुसार व्यक्ति के स्वभाव और भविष्य से जुड़ी कई जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। ग्रह गोचर और नक्षत्र की चाल के आधार पर ही राशिफल का निर्माण किया जाता है। ग्रहों की चाल हमेशा बदलती रहती है, इसलिए हमारे दैनिक जीवन में घट रही घटनाएँ भी हमेशा समान नहीं होती। आज 14 जनवरी गुरुवार का शुभ दिन है और आज विष्णु जी की विशेष कृपा कुछ राशियों पर रहने वाला है, जिससे इनका भाग्य खुल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बताते हैं क्या कहती है आपकी राशि। चलिए बताते हैं आपका राशिफल और सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों से। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। आज कोई शुभ समाचार मिलने से आप खुद को भावनात्मक रूप से बहुत सशक्त महसूस करेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी कार्य को अंजाम देने में सक्षम रहेंगे। प्रकृति आपका साथ दे रही है, अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत लगा दें। चलिए बात करते हैं अगली राशि वृष राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। आज कार्य की अधिकता रहेगी, परंतु उचित सफलता मिलने से आप थकान और तनाव भूल जाएंगे। यह समय अपनी क्षमताओं तथा प्रतिभाओं को पूरी तरह जागृत करने का है, आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। चलिए बात करते हैं अगली राशि मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। लंबे समय से चली आ रही किसी चिंता का समाधान मिलने से मानसिक रूप से बहुत अच्छा महसूस करेंगे तथा आप अपनी महत्वपूर्ण योजना को कार्य रूप देने में सक्षम रहेंगे। युवाओं को करियर से संबंधित कोई इंटरव्यू वगैरह के लिए कॉल आ सकती है। परिस्थितियां अनुकूल है, परंतु अपनी व्यवसाय की योजनाएं गुप्त ही रखें। इस समय बाहरी संसाधनों द्वारा अच्छे ऑर्डर मिलने की संभावना है, पूरी तरह कोशिश करते रहें और उपलब्धियों को अपने हाथ से ना जाने दें। अपनी वैवाहिक जीवन में किसी अन्य व्यक्ति का हस्तक्षेप ना होने दें। किसी भी पारिवारिक समस्या को आपस में बैठकर ही सुलझाने का प्रयास करने से परिस्थितियां जल्दी संभल जाएंगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, सिर्फ बदलते मौसम की वजह से हल्की सी परेशानी महसूस हो सकती है, परंतु फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं अगली राशि कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। आज दिन का अधिकतर समय पारिवारिक गतिविधियों तथा निवेश संबंधी कार्यों में व्यतीत होगा। यह समय दोस्तों और जानकारों के साथ संबंधों को और अधिक मजबूत करने का है। ये संपर्क आपके लिए उन्नति के लिए नए मार्ग खोल सकते हैं। कोई पैतृक संपत्ति संबंधी मसला भी हल होने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में किसी विशिष्ट व्यक्ति की मदद आपकी तरक्की के लिए फायदेमंद साबित होगी। विद्यार्थी लोग किसी जॉब संबंधी विभागीय परीक्षा में पूरी तरह मेहनत करें, इस समय मनोनुकूल परिणाम हासिल हो सकते हैं। जॉब में अपना टारगेट पूरा करने से कोई विशेष उपलब्धि भी मिलेगी। विवाहित जीवन सामान्य रहेगा, प्रेम संबंध में कुछ तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अपने स्वभाव में मधुरता लाएं तथा एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। त्वचा संबंधी कोई एलर्जी की आशंका है, अधिक सर्दी में खुले वातावरण में जाने से पहले अपने बचाव का पूरा ध्यान रखें। चलिए बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। किसी भी कार्य को करने से पहले उस बारे में गहरी जानकारी जरूर लें, इससे बहुत बेहतर नतीजे हासिल होंगे। घर में सुधार और नवीनीकरण की भी योजनाएं बनेंगी। बच्चों को कोई उपलब्धि मिलने से उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा तथा अपने फ्यूचर के प्रति और अधिक ध्यान देने का मन करेगा। कार्य क्षेत्र में सभी कार्य अच्छे तरीके से पूरे होते जाएंगे, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि किसी गलत सलाह से आपके बिजनेस में परेशानी आ सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि अपने फैसलों को ही प्राथमिकता दें। जॉब करने वाले व्यक्ति ध्यान रखें कि किसी प्रकार की राजनीति में फंस सकते हैं। पति पत्नी के संबंधों में कुछ मतभेद रहेंगे, परंतु दूसरे से उम्मीद करने के बजाय अपने स्वभाव में भी बदलाव लाना जरूरी है। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बनी रहेगी, नजला जुकाम की समस्या परेशान करेगी, लापरवाही ना करें तथा अपना उचित इलाज लें। चलिए बात करते हैं अगली राशि कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। आज रचनात्मक तथा रुचिपूर्ण कार्य में भी कुछ अपना समय व्यतीत करें, इससे आपको खुशी मिलेगी। मानसिक रूप से रिलैक्स महसूस करेंगे। इस समय कुछ चुनौतियां भी सामने आएंगी, परंतु आप पूरे आत्मविश्वास द्वारा उन्हें स्वीकार करेंगे और सफलता भी हासिल करेंगे।
यदि व्यवसाय में किसी नए कार्य की शुरुआत की है तो जल्दी ही फायदे के मौके मिल सकते हैं। किसी के साथ मिलकर कोई प्रोजेक्ट करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अत्यधिक व्यस्तता की वजह से घर परिवार पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे, परंतु जीवन साथी और पारिवारिक सदस्यों का सहयोग घर की व्यवस्था को उत्तम बनाकर रखेगा। वंशानुगत बीमारी से संबंधित लोग अपना विशेष ध्यान रखें, अपना नियमित चेकअप करवाएं तथा इलाज लें। चलिए बात करते हैं अगली राशि तुला राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। आज आप अपने व्यक्तित्व और कार्य प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। ग्रह स्थितियां उत्तम है और आपके लिए बेहतर परिस्थितियों का निर्माण कर रही है। घर में किसी नवीन वस्तु की खरीदारी भी संभव है तथा कार्य सुचारू रूप से संपन्न होने की वजह से आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। व्यवसायिक स्थल पर फायदे की अपेक्षा मेहनत ज्यादा रहेगी। आज कोई खास सफलता तो नहीं मिलेगी, परंतु आपकी भविष्य संबंधी योजनाएं सकारात्मक रहेंगी। आय और व्यय का समन्वय बना रहेगा। जॉब में तरक्की संबंधी कोई शुभ सूचना मिलेगी। पारिवारिक स्वास्थ्य को लेकर पति पत्नी के बीच कोई तकरार रह सकती है, परंतु यह क्षणिक ही होगी। माहौल मधुर ही बना रहेगा। अत्यधिक कार्यभार की वजह से थकान, सिरदर्द इत्यादि परेशानियां रहेंगी। डायबिटिक व्यक्ति भी अपने खान पान में पूरा परहेज रखें। चलिए बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। किसी समाज सेवी संस्था से जोड़ने तथा उसमें अपना सहयोग देने में आज का अधिकतर समय व्यतीत होगा। अगर घर परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो आज उसके लिए योजना बनाने के लिए उत्तम समय है। युवाओं को अपनी मेहनत के शुभ परिणाम हासिल होंगे। व्यापार संबंधी गतिविधियों का और अधिक प्रचार प्रसार करना जरूरी है। चलिए बात करते हैं अगली राशि धनु राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। पिछले कुछ असफलताओं से सीख लेकर आप अपने कार्यों को और बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे। आपकी खोई हुई किसी प्रिय वस्तु के मिलने या कोई मन मुताबिक कार्य बन जाने से बहुत अधिक प्रसन्नता बनी रहेगी तथा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। चलिए बात करते हैं अगली राशि मकर राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। आप अपने उत्तम व संतुलित व्यवहार द्वारा सबका मन मोह लेंगे। विद्यार्थियों को भी इंटरव्यू अथवा करियर संबंधी परीक्षा में उचित सफलता मिलने की संभावना है। किसी गुरु तुल्य व्यक्ति से मुलाकात आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित रहेगी। चलिए बात करते हैं अगली राशि कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। पिछले कुछ दिनों से आप जिस कार्य को करने के लिए प्रयासरत थे आज उसके शुभ फल की प्राप्ति उम्मीद से अधिक हो सकती है। दोपहर बाद परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। किसी नवीन वस्तु तथा आभूषण खरीदने की भी योजना बनेगी। मित्रों व रिश्तेदारों से संबंध मधुर बने रहेंगे। चलिए बात करते हैं अगली राशि मीन राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। पिछले कुछ समय से किसी कार्य के प्रति चल रही मेहनत व परिश्रम का आज उचित परिणाम मिलने वाला है। आप काफी हद तक सुकून महसूस करेंगे और खोई हुई प्रतिष्ठा दोबारा हासिल होने से मन में प्रसन्नता रहेगी तथा आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल से श्रुति रिपोर्ट।